दुश्मनों से मोहब्बत करो, इनकी फितरत में धोखा नहीं। यार बन के गला काटना, यार बन के गला काटना, दुश्मनी में ये हो। जब से कुछ इश्क का एहसास हुआ है यारों, दिल हकीकत में बड़ा कांप रहा है यारों। बेवफा मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, वो भी नहीं, राह में काफिला फिर कैसे लुटा है कैसे मानू के जमाने की खबर रखती है, कैसे मानू के जमाने की खबर रखती है। गर्दिशे वक्त तो बस मुझ पे नजर रखती है, मेरे पैरों की थकन रूठ ना जाना मुझसे, एक तू ही तो मेरा राज़े सफर रखती है। एक तू ही तो मेरा राज़े सफर रखती है। अजीब हम हैं, सबब के बगैर चाहते हैं तुम्हें, तुम्हारी तलब के बगैर चाहते हैं। फकीर वो है के अल्लाह के जो बंदे हैं, हर इम्तियाज़े नसब के बगैर चाहते हैं। नहीं है खेल कोई उनसे गुफ्तगू करना, सुखन वो गुम्बदे लब के बगैर चाहते हैं। सुखन वो गुम्बदे लब के बगैर चाहते। एक शेर इसमें कमाल का है कि जमी है गर्द सियासत की जिनके जहनों पर, मुशायरा भी अदब के बगैर चाहते हैं। अदब के
बगैर चाहते हैं। फिक्र को चांद सितारों से गुजारा जाए, आसमानों को बुलंदी से उतारा जाए, अब नहीं आएंगे जंजीर हिलाने वाले, अपने ही नाम से अब खुद को पुकारा जाए। जिनको तहजीब ना आदाबे मोहब्बत मालूम, ऐसे लोगों के यहाँ कौन दोबारा जाए। ऐसे लोगों के यहाँ कौन दोबारा जाए। तनु भाई, लहलहाते झूमते सारे बदन सो जाएंगे, खाक हैं हम खाक में ही मुंतकिल हो जाएंगे। तेरी खुशबू की तलब में यूं ही गर्भ जलते रहे, देख लेना एक दिन हम रोशनी हो जाएंगे। देख लेना एक दिन हम रोशनी हो जाएंगे। आहा, मेरे बड़े अजीज दोस्तों भाइयों में बल्कि अंकल कहूँ, यश भाई, मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है इबादत कौन करता है। जो सामने बैठे हैं, इस मिजाज से नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ आपको सुनाने की अहमियत से। जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे। जरा सी देर ठहर कर सवाल करते हैं, सफर से आए हुओं का जो हाल करते हैं। मैं जानता हूं मुझे मुझसे मांगने वाले, पराई चीज का जो लोग हाल करते हैं वो दस्ते याब हमें इसलिए नहीं होता, हम इस्तेफादा नहीं देखभाल करते हैं। बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए। यश भाई, बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर कमजर्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। जमी से आए हैं चलकर जमी पर देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। जो मुझसे रोज कहते थे कि तुम पर जान दे देंगे, चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। हम सबकी जिंदगियों से वाबस्ता है कि गुरूर सर में समाया नहीं असर, वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है,
मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता। इसी के साथ जो भाई का हुक्म है उसको मद्देनजर रखकर मतला पढ़ रहा हूं। शीशा टूटे गुल मच जाए, कहां उम्र गुजर सकती है, उससे कुछ और ताल्लुक भी जरूरी है मेरा। ये मोहब्बत तो किसी रोज भी मर सकती है, मेरी ख्वाहिश है कि फूलों से तुझे फतेह करूं, वरना ये काम तो तलवार भी कर सकती है। दो या 4% वफादारी पर है, लेकिन आजकल हाल ये है। शीशा टूटे गुल मच जाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। भाई मैंने एक नई रुबाई इसमें ऐड की है,
इसे पार्ट टू करके डाला है। पीछे वालों से तो वो जो चाहूंगा। यश भैया, दिल की खता क्या उन पे बुराई, हमको मोहब्बत रास ना आई, हमको मोहब्बत रास ना आई। शोर हुआ जब शीशा टूटा, शोर हुआ जब शीशा टूटा, दिल टूटा के। बड़े अजीम शायर हैं तकी शेरकोटी। मैं तमाम लोगों से तवज्जो चाहूंगा भाई। वो कहते हैं, और दौरे हाजिर में है, दौरे हाजरा है, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता। मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना। रो के पूछेंगे और हंस हंस के उड़ाएंगे मजाक, अपने फाके का पड़ोसी को पता मत देना, जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे, जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे, जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे, ऐसी दौलत भी मुझे मेरे खुदा। यश भाई खुद आएंगे, लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेर ऐसा पेश कर रहा हूं। दंग ये रिस्क से हलकान रखा जाएगा क्या? जमा भाई जहां भी हो महफिल में आए जरा भाई आओ ना। दंग ये रिस्क से हलकान रखा जाएगा क्या? दो घरों का मुझे मेहमान रखा जाएगा क्या? तुझे खोकर तो तेरी फिक्र बड़ी लाजिम है, तुझे पाकर भी तेरा ध्यान रखा जाएगा क्या? और मान भी ले कि तुझे मैंने बहुत चाहा है, दोस्त सर पे मेरे कुरान रखा जाएगा क्या? तब जो चाहूंगा, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने हमारे पीर मुर्शिद की एक बड़ी हसीन गजल पढ़ी थी, तो हजरत ने दुबई में बुला के मुझे मुकम्मल गजल दी और कहा कि इसे तुम भी पढ़ो। मैंने पढ़ा तो लोगों ने भी पसंद किया, हमें नुसरत साहब तो नहीं उनकी जूतियों का सदका है, लेकिन नजर करना हूँ समाज फरमाए
गुजारिश ये है कि ये अवामी प्रोग्राम है, थोड़ा सा मेरा साथ दें और इतना कहें क्या दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला। आप लोग चुप हो जाओ, ये विजय रावगढ़ है, यहाँ के लोग भी विजय बैठे हैं, ये विजय लोग हैं। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। विजय लोगों के लिए नजर कर रहा हूं जमात फरमाए। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला, हर नए मोड़ पे एक जख्म नया, तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात से ही लोग सदियों की रिफाकत को भुला, कैसे मुमकिन है धुआं भी ना हो और दिल भी जले, चोट लगती है तो पत्थर भी सदा, कौन होता है मुसीबत में किसी का ऐ दोस्त, आग लगती है तो पत्ते भी हवा, जिन पे होता है बहुत दिल पे भरोसा ताबिश, वक्त पड़ने पे वही लोग दबा, पढ़ा चार मिसरे लिखे तनु भाई महेश्वर अफरीदी साहब ने। तेरी खता नहीं, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे पास तो सभी ने सुनी है, एक इसका नया एडिशन है जो मतला नजर कर रहा हूं, उम्मीद है कि पसंद फरमाएंगे। तनु भाई, दुश्मनों से मोहब्बत करो, आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। दुश्मनों से मोहब्बत करो, इनकी फितरत में धोखा नहीं, यार बनके गला we'll be right back.
संजय पाठक जी की पूरी टीम को नजर कर रहा हूँ, क्योंकि इतना हसीन प्रोग्राम रखवाना पाठक जी ने बड़ी जबरदस्त महफिल से रूबरू कराया है। मैं खुद परेशान था बहुत दिनों से, जिस भी प्रोग्राम में जाते थे ऑडियंस इतनी आती है कि हम सुना नहीं पाते कुछ, तो संजय भैया ने ये बड़ा अच्छा माहौल बनाया है कि हम कुछ सुना पा रहे हैं आपको। इसका पहला शेर नजर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए। तुम किसी और के, ये भी मतलब है, तुम किसी और के हो गए, हमसे अब कोई रिश्ता नहीं। तुम किसी और के हो गए, हमसे अब कोई रिश्ता नहीं। मैं तो कहता हूँ धोखा है, मैं तो कहता हूँ धोखा है, आप कहते हैं धोखा शेर है भाई। उनकी यादों का संजय फाटक जी से मुनासबत रखकर संजू भैया की नजर ये शेर कर रहा हूं, क्योंकि वो इस महफिल में नहीं है लेकिन सुन रहे हैं, उनको सुना रहा हूं कि दिल के बहलाने की ताबीर तो है, नहीं है तेरी तस्वीर तो है। फिर से पढ़ू? हाँ, वो है ना पीछे, लेकिन एक तस्वीर सामने भी, यश भैया भी तो थे। दिल के बहलाने की ताबीर तो है, तू नहीं है तेरी तस्वीर तो है। इस शेर के बाद कर लेना भाई, बेपनाह शेर है, कहीं भी ले जाएं, लेकिन इस वक्त मौजू उन पे है तो पढ़ रहा हूं। उनकी यादों का फिर जश्न है। संजय भैया की टीम से तवज्जो चाहूंगा, ये बताओ कौन कौन प्यार करता है संजय भाई से? अब जो प्यार करते हैं उनकी नजर कर रहा हूं। उनकी यादों का फिर जश्न है, जाम के बाद फिर जाम है, अब तो आजा खुदा के लिए, अब तो आजा खुदा के लिए, धड़कनों का भरोसा भाई। एक शेर इसका आलम में शोहरत में मकबूल हुआ है, मैं अपने तमाम चाहने वालों से तवज्जो चाहूंगा, पंडित जी खास तौर से आप भी तवज्जो दें। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। कितने दुख जिंदगी के
प्रसंग है, वो शेर नजर कर रहा हूं। नदीम शाह साहब ने इंतहा कर दी जिंदगी की हकीकत बयान करने में। आय है, बड़ी ही शान से रहते थे लोग जिसमें कभी, उसी मकान में अब मकड़ियों का जाला है। बहुत गुरूर है तुमको तो अपनी दौलत पर, इसी गुरूर ने कितनों को मार डाला है। लेकिन हम बहुत डूबे मगर गहरे समंदर से निकल आए, हम आखिर सब्र की हद से बहुत बाहर निकल आए, निकल आए जहां पर खुद नुमाई और तकब्बुर की गजालत थी। खुदा का शुक्र उस रस्ते से हम बचकर निकल आए। ये तकल्लुफ, जो इसका हसीन शेर है, कल ये मेरे भी आंगन में थी जिस पे तुझको गुरूर आज है, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये शायद तुझे छोड़ दे, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा जी। और तमाम लोगों को मद्देनजर रखकर ये शेर पढ़ रहा हूं। ये तकल्लुफ न फरमाइए, मुझे कुछ जिंदगी के एहसासात होते हैं छोटी सी उम्र में, उस पर ये शेर पढ़ रहा हूं। ये तकल्लुफ न फरमाइए, मेरी बाहों में आ जाइए, में आ जाइए। कल ये शायद रहे ना रहे, कल ये शायद रहे ना रहे, जिंदगी का भरोसा के मायनाज शायर बड़े भाई जनाब नदीम शाह साहब मख्ते में अर्ज करते हैं। पत्थरों से कहो राज़ दिल, ये न देंगे दगा आपको ए नदी आज के दौर, माहौल बना हुआ है। एक नई गजल का मतला नजर कर रहा हूं नौजवान और अपने तमाम बुजुर्गान से तवज्जो चाहते हुए। अच्छा फिर पढ़ो। शौक से पत्थर कह लो, मैं तो पत्थर को भी भगवान कहा करता हूं। मेरे महबूब मुझे शौक से पत्थर कह लो, मैं तो पत्थर को भी भगवान कहा करता हूं। बेरुखी होती है महबूब से जो पहलो पहल, मैं उसे प्यार का उन्वान कहा करता हूं।
वो भी पत्थर है के फुटपाथ की तामीर में जो टुकड़े टुकड़े अगर होते हैं तो काम आते हैं, उन्हीं फुटपाथ से सोते हैं लिपट कर मजदूर, दो घड़ी के लिए आराम जहां पाते हैं, वो भी पत्थर है के आजर के कलम से जिसने किसी माशूक की तस्वीर बनाई होगी, वो भी पत्थर है के शिवन के जिन्होंने कितने पूजने वालों की तकदीर बनाई होगी, वो भी पत्थर है पड़ी जिससे बिनाई काबा, वो भी पत्थर है जिसे काबे का झूमर कहिए, संगे असवद को तो महबूब खुदा ने चूमा, क्यों ना उसको मेरी तकदीर से बढ़कर कहिए, संगे असवद तो बड़ी चीज है उसकी क्या बात, काश मैं भी किसी फुटपाथ का पत्थर होता, किसी मजदूर को आराम तो मैं दे सकता, आज के दौर के इंसान से बेहतर होता, इश्क की आग है पत्थर में भी पिनहा सैफी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे दिलबर कहना, मेरे महबूब तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, आज के दिन से हमेशा मुझे पत्थर कहना। जा रहा है।